so welcome back all of you on the platform of Q's Eco Study. this is your Indian Economic Lecture. Uh, this is your second part of India at the uh, time of independence. <coughs> जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, <coughs> उसी में हमें बात करना है public sector के बारे में. तो independence के time पे public sector के ऊपर focus किया गया. क्यों किया गया? Why? Emphasis on public sector. Why? सो so, क्यों किया गया पीएसयू गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइजेस इज आल्सो नोन एज व्हाट पीएसयू ठीक है इनका कहना था रीजन क्या था रीजन ये था एम्बिशन ये था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नीड है इंडिया का उसको इंक्रीज करेगा ठीक है लाइक पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो जितना लेवल चाहिए uh, ठीक है जितना सुटेबल लेवल चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को वो वो पब्लिक सेक्टर पूरा करेगा पहला ठीक है कि ये उनका कहना था अब देखिए इसीलिए उनका ये भी कहना था कि कैसे हम ये पूरा करेंगे सिर्फ सिर्फ हम नहीं पूरा कर सकते प्राइवेट ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है ठीक है इसके लिए गवर्नमेंट को भी फोकस करना गवर्नमेंट का भी रोल होगा ठीक है प्राइवेट सेक्टर इस ये जो बेसिक चीजें है उसको पूरा नहीं कर सकती है ओके okay, इससे होगा क्या आर द कॉम्पोनेंट तो इंडस्ट्री क्रिएट होगा टेक्नोलॉजी क्रिएट होगा स्किल मैन पावर क्रिएट होगा क्रिएट होगा ठीक है तो सेकेंड वन सेकेंड वन आपका क्या था दैट इज नोन एस इंडस्ट्रियल नीड इंडस्ट्रियल नीड के लिए हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस होना जरूरी था क्योंकि हमारे देश के अंदर उतना भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था या पैसा नहीं था जिसके कारण हमारा इंडस्ट्री अपने आप मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए ठीक है हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो था एकदम नहीं था ब्रिटिश के के जाने के बाद इसलिए सरकार का रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर ताकि इंडस्ट्री बेस बनाया जाए तो देखिए कुछ एक कोर इंडस्ट्री में बांटा गया कि कोर 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 क्या है चीजें आर तो द कोर तो कोर हमारा जो है वो है पहले छह कोर के अंदर चीजें आती थी 2013 से पहले अब लेकिन है वो इंक्रीज होकर के कितने हो गए आट. तो टोटल एट जो है वो कोर इंडस्ट्री है ठीक है कोर इंडस्ट्री के अंदर टोटल एट है अगर पहला बात करते लाइक रि, रिफाइनरी प्रोडक्ट कोर इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ये कोर मतलब ये इंडस्ट्री हमारा जरूरत है बेसिक नीड है हमारे देश का ठीक है स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट फर्टिलाइजर तो तो ये आठ जो है दैट इज नोन एज कोर इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री पहले छह थे लेकिन 2013 में दो और ऐड किए गए नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर मतलब हमें ये इंडस्ट्री जरूरत है इसके बिना हमारा देश नहीं चल सकता है बेसिक इंडस्ट्री रिफाइनरी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट फर्टिलाइजर और ये आपको लिख लेना है ठीक है कि वॉट आर द बेसिक इंडस्ट्री वॉट आर द कोर इंडस्ट्री और आई के अंदर इसका इंडेक्स कितना है फोर्टी पॉइंट टू सेवन फोर्टी पॉइंट टू सेवन ये नहीं पूछेंगे ठीक है तो ये एट कोर इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि क्या है और कौन दो ऐड किया गया है फर्टिलाइजर को और नेचुरल गैस को ठीक है रिफाइनरी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट एंड फर्टिलाइजर ठीक है ये बेसिक इंडस्ट्रीज uh, को क्यों सरकार ने कंट्रोल किया क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्रीज को लोगों को जरूरत होगी सीमेंट की फर्टिलाइजर की जरूरत होगी फर्टिलाइजर किसान के पास उतना पैसा है नहीं कि वो फर्टिलाइजर को खरीद सके मार्केट प्राइस पे इसलिए गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करके फर्टिलाइजर सब किसान को प्रोवाइड करती है देती है गेटिंग माई पॉइंट तब वो खरीदेंगे तब वो उनका खेती अच्छा होगा वरना का खेती अच्छा नहीं होगा दैट्स द गवर्नमेंट कंट्रोल दिस इंडस्ट्री क्योंकि ये लोगों की जरूरत है और जरूरत की चीजें मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं ओके गाइज ओके नेक्स्ट वन वाई दे क्रिएट क्यू फोकस था पब्लिक सेक्टर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन इनका कहना था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा जेनरेट होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इंडस्ट्री बनाएंगे इंडस्ट्री से इम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलेगा रोजगार से इनकम बढ़ेगा ठीक है दैट इज जॉब इंक्रीजेस इनकम इंक्रीजेस ठीक है इनकम इंक्रीज करेगा जीडीपी डी इंक्रीज करेगा जीडीपी बढ़ेगा फिर से ये क्या है इससे इंडस्ट्री और ज्यादा बनेगा और इनकम मिलेगा जॉब मिलेगा किसको गांवों के अंदर भी अब इंडस्ट्री लगेगा गेटिंग माई पॉइंट तो इनका कहना था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अंडर प्रिविलेज पीपल इज द टेस्ट टेस्टेड टूल ऑफ पोवर्टी एलिवेशन कि अगर पोवर्टी को एलिवेशन करना है तो जो अंडर प्रिविलेज पीपल है लाइक ए सी एस टी तो उन्हें जो है उन्होंम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ताकि उनको इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले ताकि पोवर्टी एलिवेशन पोवर्टी कम हो हमारे देश के अंदर ठीक है क्योंकि ज्यादातर पोवर्टी जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है एस सी एस टी पिछले वर्ग में देखा जाता है ठीक है इसलिए पिछले वर्ग को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ताकि पोवर्टी हमारा कम नेक्स्ट वन और सरकार जो है नेहरू का क्या कहना था नेहरू जी का कहना था हमारा कि जो पीएस है वो क्या है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया तो आपसे पूछेंगे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा कहा गया है तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया ठीक है तो ये ओके गाइज ओके नेक्स्ट वन पी एस यू जो है वो कंसिडर किया गवर्नमेंट के द्वारा कि इसका जो इफेक्ट होगा ना वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है निचले वर्ग के पास भी ये पहुंचेगा इसका बेनिफिट उनको भी रोजगार मिलेगा Getting my point? कि सिर्फ कोई अपर क्लास कोई नहीं या सिर्फ शहर के अंदर ही रोजगार नहीं मिलेगा गांव के अंदर भी रोजगार इंक्रीज होगा वहां के भी लोगों को दैट इज नोन एज ट्रिकल डाउन इफेक्ट ठीक है तो गवर्नमेंट का ये कहना था बट ऐसा हुआ नहीं ठीक है नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सो सोशल सेक्टर कि सोशल सेक्टर का अगर हमें क्या करना है डेवलपमेंट करना है प्रॉफिट अगर इंक्रीज करना है तो हम क्या हमें पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस करना होगा सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन तो ये सब पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है हेल्थ प्रोवाइड करना है सभी को प्राइमरी हेल्थ सिस्टम मिलना चाहिए तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एजुकेशन एक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है दैट्स वाय पी एस यू आर क्रिएटेड ओके नेक्स्ट वन राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर कि अगर प्राइवेट सेक्टर को राइज करना है तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए इकोनॉमी में जो कि नहीं है और अगर बेसिक इंडस्ट्री और सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेब्लिश होंगे तो इसलिए जो पी एस यू क्या क्या है कि बेसिक इंडस्ट्री सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है आने वाले टाइम में राइज़ हो ठीक है so, सो इसलिए जो है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट वन लेकिन 90s 80s के टाइम पे जो है वो वर्ल्ड के अंदर रियलाइज हुआ एक तो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के कारण साथ ईस्ट एशियन मिरेकल्स के कारण पहला क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल देखा जा रहा था मार्केट ओपन है और बहुत अच्छा वो डेवलप कर रहा है कंट्री छोटे छोटे कंट्री बहुत अच्छा कर रहे हैं साथ ही साथ जो यूएसएसआर है वो क्या हो गया बट गया यूएस रशिया यूक्रेन तो ये सारे में डिवाइडेड हो गए ठीक है साथ ही साथ जो आपका स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थे कमांड इकोनॉमी थे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो कम हो रहा था क्या हो रहा था कम हो रहा था दैट्स डेट्स ये देखा गया कि नहीं पूरा स्टेट कंट्रोल इज नॉट गुड कि पीएसयू के अंदर जो है वो इनफिस इंक्रीज हो रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वाशिंगटन कंसेंसेंस uh, हुआ और इसके अंदर क्या बात की गई है प्रोमोट न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक है मतलब लिबरल इकोनॉमिक को मतलब ओपन किया जाए प्राइवेटाइज किया जाए लिबरलाइज किया गया ठीक है ना तो ग्लोबलाइज किया जाए तो ये वाशिंगटन वॉशिंगटन के अंदर बातें की गई थी ओके okay, कि पीएसयू है पीएसयू को अब धीरे धीरे क्या करना है प्राइवेटाइज करना है क्या करना है डिस इनवेस्टमेंट करना है पीएसयू को ठीक मतलब है प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट को सेल कर देना और डिस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूं ठीक है तो ये आ, और आगे फिर जो है लेकिन ये वाशिंगटन कंसे जो है लोग स्टेट सारे एक कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर वो फॉलो करना स्टार्ट किए अपने मार्केट को ओपन करना स्टार्ट किए बट ये सब प्राइम क्राइसिस जो कि आपका 2008 में आया जिसने वाशिंगटन कंसे जो कंट्री फॉलो कर रहे थे थोड़ा सा स्टेट का कंट्रोल को इनक्रीज किया ठीक है ना क्योंकि ओपन इकोनमी के अंदर क्या आया था आपका सब प्राइम क्राइसिस इसलिए ओपन इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन गेटिंग लिखना क्या है ठीक है ना पीएसयू के ठीक है नेक्स्ट वन ये लिखना है नेहरू टेम्पल मॉडर्न इंडिया टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया ठीक है ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है वो लिखना है आपको ठीक सो दिस इज सो नेक्स्ट इंडिया uh, जो है वो व्हाट इज द डिसनवेस्टमेंट तो 2016-17 के अंदर आता है कि सरकार जो है वो स्ट्रेटेजिक डिस इनवेस्टमेंट करेगी स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार जो अपना पीएसयू के अंदर उसका शेयर है ऑनरशिप है उसको अब ट्रांसफर करेगी टू द प्राइवेट सेक्टर ठीक है अपना शेयर जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर किसको करेगी प्राइवेट सेक्टर को दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डिस इनवेस्टमेंट वट इज द एडवांटेज क्यों सरकार जो है वो डिस करना चाहती है Why were अगर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है इकोनॉमी के अंदर क्योंकि प्राइवेट को देंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा और वो जो इंडस्ट्री इन तरीके से वर्क कर रहा है वो इफिशियंट तरीके से वर्क करेगा सो so प्रोमोट इन्वेस्टमेंट दूसरा तो दूसरा की जो गवर्नमेंट जो है ये देख रही है कंट्रोल कर रही है इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का ये काम नहीं है इस कारण ये काम से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये येबल एरिया ऑफ गवर्नमेंट है ठीक है नेक्स्ट वन रेवेन्यू जनरेशन बाई सेल स्टीक सेल कि हम बेचेंगे पीएसयू के शेयर को तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा और वहां से हम उस रेवेन्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूज कर सकते हैं या कहीं और भी जगह लोकेट कर सकते हैं नेक्स्ट वन डी बर्डन बर्ड फ्रॉम इट्सिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो ये सारा जो है दैट्स जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि आप मेंस का पेपर तो नहीं लिख रहे हैं गेटिंग माय पॉइंट तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है क्या है नेहलू ने नेहरू जी ने क्या कहा था पीएसयू क्या आपका फोकस किया गया था या नहीं किया गया था वाट आर दिक्स कोर इंडस्ट्री ये बताइए ठीक है ना एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा एरिया के ऊपर फोकस किया गया था रिम्बर दिस दिस जस्ट द इन द एरिया ऑफ थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है वो तीन कहते कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहला रेलवे दूसरा पोस्ट, पोस्ट और तीसरा टेलीग्राफ ठीक है रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये तीन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ठीक है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ओके सो दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर प्लानिंग से कैसे नीति आयोग बना फाइव पिलर क्या है आत्मनिर्भर भारत का तो ये सारा आपका पूरा चैप्टर रहा कंप्लीट चैप्टर एनी प्रॉब्लम एनीवन एनी प्रॉब्लम नो सर नो सर राज आप अपने कैमरा को ऑन कर रखे हैं, ठीक है सो ये कंप्लीट चैप्टर आपका था दस पंद्रह दस पॉइंट आपका होगा ठीक है इस चैप्टर के अंदर दस पॉइंट बारह पॉइंट बस आपकी उतना ही इंपॉर्टेंट ठीक है गाइस ट्रिकल डाउन इफेक्ट ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि सरकार का कहना था कि हम पीएसयू के ऊपर अगर फोकस करेंगे ना तो वो आने वाले टाइम में वहाँ से जो इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो गाँव गाँव तक पहुंचेगा ठीक है ना सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ शहर के लोगों को रोजगार मिलेगा या जिनके पास पैसा है जिनके पास इनकम है आ, जो अपर मिडिल क्लास है आ, आ, अपर क्लास के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा नहीं सभी को मिलेगा ठीक है दैट इज नोन स्ट्रीकल डाउन इफेक्ट ओके सिस्ट्री एनी प्रॉब्लम एनी वन जल्दी से क्या राम कहानी अभी तक पसंद आया है हाँ या ना हाँ यस सर निकुंज चैप्टर छोटा चैप्टर है कर लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग कि प्लानिंग क्या होता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग इंडिया जो है वो कौन सा प्लान को फॉलो करता है तो पहला डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ ऑफ प्लानिंग प्लानिंग व्हाट इज द द हम देखें। दूसरा एंड एक्सपेंशन एक्सपेंशन से हुआ और उसके बाद फॉर्म में हुआ लाइक रीजनल प्लानिंग किसे कहते हैं नेशनल प्लानिंग किसे कहते हैं रीजनल प्लानिंग कौन से देश के अंदर आया नेशनल प्लानिंग कौन से देश के अंदर आया नेक्स्ट वन टाइप ऑफ प्लानिंग इंपरेटिव प्लानिंग इंडिकेटिव प्लानिंग ठीक है फिर उसके बाद एक सिस्टमेटिक नॉर्मेटिव अप्रोच आता है जो कि नया मेथड आया प्लानिंग के अंदर फोकस करने का ओके okay? तो बस हमें इतना ही पढ़ना है डेफिनेशन क्या और कहां क्या है है से हुआ टाइप यही सो नेक्स्ट फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग सो आप नीचे देख सकते हैं प्लानिंग के ऊपर बात की गई थी 1938 के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि हम प्लानिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे उन्होंने सेटअप किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 के अंदर ठीक है थीके? कि क्या हमारे देश के लिए नेशनल प्लानिंग होगा उसके लिए उन्होंने कमेटी सेटअप किया था ठीक है आजादी होने से पहले ही प्लानिंग प्लानिंग किसे कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल बाई ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कि हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको कैसे हम अच्छे तरीके से यूटिलाईज करें उसके लिए वेल डिफाइंड गोल अगर किया जाए वैसे प्रोसेस को कहा जाता है प्लानिंग ओके गाइस ठीक है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेस है लाइक like, आपके पास चौबीस घंटे है तो चौबीस घंटे में आप कैसे इस चौबीस घंटे को अच्छे तरीके से आप क्या यूटिलाइज करते कब क्या करना है कितने घंटे पढ़ना है कितने घंटे सोना है ठीक है कितने घंटे खेलना है तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज प्लानिंग ओके ओके ठीक है बाकी ये डेफिनेशन को uh, डेफिनेशन कोई एक्सप्लेन कर रहा है प्लानिंग इज अ प्रोसेस कैसा प्रोसेस है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे है ये नीचे प्लानिंग मस्ट बी अ वेल डिफाइंड गोल ठीक है तो ये नीचे नॉट इम्पोर्टेंट प्लानिंग मस्ट डिफाइन गोल तो सारा डेफिनेशन का ही वर्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लानिंग प्रोसेस है प्लानिंग के अंदर वेल डिफाइंड गोल है प्लानिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस होता है ठीक है नेक्स्ट वन देखिए 1950 के टाइम पे प्लानिंग जो है वो इमर्सड हुआ ठीक है सभी पॉलिसी मेकर जो है वो प्लानिंग की तरफ हुए आ, फोकस उनका हुआ क्योंकि वो रिसोर्स को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो प्लान करके कि हम किस तरीके से आने वाले 5 सालों के अंदर हम किस तरीके से क्या-क्या चीजें को फॉलो करें ताकि हमारा रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज हो पाए इसके लिए प्लानिंग सिस्टम को सभी को के द्वारा अपनाया गया ठीक है

उसको खर्च करे कौन कौन से जगह पे खर्च करे दैट इज नोन एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग और आज के जमाने में इसे क्या कहा जाता है बजट ठीक है कि budget. कि बजट वो भी एक क्या है प्लान है बजटिंग इज अ प्लान कि जहां पर सरकार बात करती है कि हम कैसे अपने पैसे जो है मेरे पास रेवेन्यू कलेक्ट जो किए उसको हम कैसे एक्सपेंडिचर करें ठीक है सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लानिंग सम टाइप ऑफ ठीक है फिर आता है वो ऑरिजिन एंड द एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग तो कहां से ऑरिजिन हुआ प्लानिंग का तो सबसे पहला जो है वो रीजनल प्लानिंग से ऑरिजिन हुआ रीजनल प्लानिंग रीजनल प्लानिंग का मतलब स्मॉल लेवल पे रीजनल लेवल पे जो है वो इकोनॉमी के द्वारा जो है वो प्लान लाया गया ठीक है ना स्मॉल लेवल पे लाइक like, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रीजन के अंदर सिर्फ फोकस किया गया और ये पहला कौन सा देश था जो फोकस किया यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट था जो 1916 के अंदर रीजनल प्लानिंग किया ठीक है और वो कौन से टेनेंसी वैल्यू ऑथोरिटी का सेट आफ्टर टेनेंसी वैल्यू ऑथोरिटी तो ये था यूनाइटेड स्टेट में एक लाइक यहां पर अगर वो ला जाए कोई डैम है लाइक एक डैम का बहुत डिस्प्यूट चलता है दो स्टेट के अंदर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका आई थिंक ठीक है दामोदर डैम क्या उसका नाम है दामोदर डैम लगता है ठीक है तो ये डैम को लेकर के प्लानिंग किया जाए कि डैम कैसे बनाएंगे उस एरिया के अंदर रीडिंग माई पॉइंट तो ऐसे प्लानिंग को क्या कहा जाता है आपका रीजनल प्लानिंग रीजनल प्लानिंग ओके लाइक देख सकते हो दामोदर वैली कॉरपोरेशन मैंने जो अभी बताया ठीक है ठीके? So, uh, ये रीजन कुछ रीजन के अंदर हमें अगर कुछ बनाना है उसके लिए रीजनल प्लानिंग है और पहला देश यूएसए कब 1916 के अंदर तो ये पॉइंट आपको लिखना है ओके ओके गाइस नेक्स्ट वन व्हाट इज नेशनल प्लानिंग नेशनल प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं हम पूरे नेशन के लिए प्लान बनाए कि कितना जीडीपी होना चाहिए आने वाले कितने इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले टाइम में होना चाहिए किस चीज के ऊपर फोकस होगा कैसे हम रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें दैट इज नोन एज नेशनल प्लानिंग ओके और नेशनल प्लानिंग कहां से इसका रूट है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन ऑफ रशिया बोल रिवोल्यूशन ऑफ रशिया इंपॉर्टेंट वन ठीक है लेकिन सोवियत यूनियन जो है वो पहला बार नेशनल प्लानिंग के लिए कब गया था फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ कहा सोवियत यूनियन के सोवियत यूनियन नेशनल प्लानिंग को अडोप्ट किया कब नाइन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री पांच साल का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कहां से लाया गया इंडिया के अंदर सोवियत यूनियन से लाया गया गेटिंग माई पॉइंट तो नेशनल प्लानिंग किसके द्वारा सोविय कौन से कंट्री ने एक्सपीरियंस किया सोवियत यूनियन पहला कंट्री है ओके okay? और कहा से आया है? रूट इसका है बोल सेविक रेवोल्यूशन से ठीक है गाइस ओके यस सर नेक्स्ट वन व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लानिंग सो टाइप अगर बात करते हैं प्लानिंग का तो देर आर टू टाइप ऑफ द प्लानिंग फर्स्ट वन इज नोन एज इम्परेटिव प्लानिंग व्हाट इज इम्परेटिव प्लानिंग इम्परेटिव प्लानिंग का मतलब अगर प्लानिंग स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हो रहा है कॉम्युनिस्ट अगर है उसके अंदर सरकार और वो प्लानिंग कर रही है दैट इज नोन एज इम्परेटिव प्लानिंग ठीक है फॉलोड बाई स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी प्रोसेस फॉलोड बाई स्टेट इकॉनमी दैट इज सोशलिस्ट और कॉम्युनिस्ट दैट इज नोन एज इम्परेटिव प्लानिंग डायरेक्ट टारगेटिंग प्लानिंग ठीक है ना पर डायरेक्ट टारगेट कर सकता है डायरेक्ट कोई चीजों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो कॉम्युनिस्ट है एग्जाम्पल चाइना चाइना जो पास्ट के अंदर था ठीक है चाइना जो है वो प्योरेस्ट एग्जाम्पल जो है वो किसका है कॉम्युनिज्म का ओके सो वो वट इज द बेसिक फीचर ऑफ सच प्लानिंग बेसिक फीचर क्या है कि जो टारगेट है उसको हम न्यूमेरिकली क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना हमें ग्रोथ चाहिए कितना लैक टन का स्टील हमें जो है उसका प्रोडक्शन करना है ठीक है कितना प्राइमरी स्कूल चाहिए तो हम डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं नेक्स्ट वन स्टेट कंट्रोल जो है वो एज द स्टेट कंट्रोल द ऑनरशिप ओवर द रिसोर्स इट मस्ट बी पॉसिबल टू रियलाइज द प्लान मतलब कि स्टेट कंट्रोल होने के कारण चाइना है चाइना के अंदर पता है कि क्या है कॉम्युनिस्ट है अब कोई भी जमीन है तो उसके ऊपर उसका क्या है कंट्रोल है और अगर रोड वो बनाना चाहे तो वो रोड बना लेगा बिना किसी से पूछे पॉइंट वो पास किया रोड बना लिया तो दैट इज नेक्स्ट वन नो रोल ऑफ द मार्केट यहाँ पर क्योंकि कॉम्युनिस्ट uh, सरकार है मार्केट का नो रोल प्राइवेट सेक्टर का नो no रोल ठीक है सो दिस थिंग आर नोन एज इम्परेटिव प्लानिंग जो कि आपका स्टेट इकोनॉमीज जो फॉलो करते हैं प्लानिंग को दैट इज नोन एज इम्परेटिव प्लानिंग कमांड इकोनॉमीज फॉलो दिस काइंड ऑफ द प्लानिंग कमांड इकोनॉमी का मतलब वही यूएसएसआर ऑस्ट्रेलिया रोमानिया हंगरी तो ये सारे कंट्री क्या है कमांड है सेंट्रलरी प्लान इकोनॉमी मतलब इनका जो इकोनॉमी का जो प्लानिंग होता है वो कौन सेंटर ही सिर्फ करता है ठीक है ना स्टेट के का रोल नहीं होता है ठीक है तो कमांड इकोनॉमी के अंदर ऐसे ही प्लान फॉलो किए जाते हैं तो आपसे पूछे कमांड इकोनॉमी के अंदर कौन सा प्लानिंग होगा डायरेक्ट आप बोलेंगे इंपरेटिव प्लानिंग गिडिंग? तो स्टेट इकॉनमी कौन सा प्लानिंग को फॉलो करता है इंपरेटिव प्लानिंग ओके नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज इंडिकेटिव प्लानिंग इंडिकेटिव प्लानिंग इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब प्लानिंग जो कि फॉलो किया जाए मिक्स्ड इकॉनमी के द्वारा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के द्वारा वो किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा था कमांड इकॉनमी के द्वारा राइट right? वो फॉलो किया जा रहा था स्टेट इकॉनमी के द्वारा और इंडिकेटिव का मतलब डेमोक्रेटिक ठीक है? प्लानिंग है, का ये कमांड इकोनॉमी के अंदर फॉलो किया जाता है प्लानिंग कमांड इकोनॉमी का मतलब लाइक यूएसएसआर ठीक है ओके वहां पे इंपरेटिव प्लानिंग का फॉलो किया जाता है नेक्स्टिव मतलब like इंडिकेटिव तो कौन से कंट्री के अंदर होगा जो जो डेमोक्रेटिक होंगे जहां पे मिक्सड इकॉनमी होगा तो वो फॉलो करेंगे तो एवरी इकॉनमी फॉलो द इंडिकेटिव प्लानिंग सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेना है ठीक है कौन फॉलो इकॉनमी क्या फॉलो करते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग को ठीक है सेंट्रल प्लान इकॉनमी जो कि इम्परेटिव प्लानिंग के अंदर होता है यहाँ पर जो है इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स थ्रू मार्केट प्राइस यहाँ पर मार्केट के थ्रू वर्क करते हैं गेटिंग माई पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल नहीं है मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं और बाहर से वो इंडिकेशन देते हैं कि इतना होना चाहिए इतना सेल होना चाहिए आउटपुट का इतना प्रोडक्शन होना चाहिए ये सरकार बाहर से इंडिकेशन दे रही है सपोर्ट दे रही है सब्सिडी दे रही है लेकिन वो खुद नहीं कर रही है वो कंट्रोल नहीं लगा रही है अपना क्वान टारगेट सेट करे कि हमें कितना चाहिए अगले पांच साल के अंदर लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं की हमें इतना प्रोडक्शन ही करना है हम करेंगे स्टेट इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन में नहीं मार्केट ही करेगी हम उसका हेल्प करेंगे और हमारा टारगेट सेट करेंगे उस टारगेट को अचीव करिए आप थीके? उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंसेंटिव भी देंगे राइट लाइक स्कीम स्कीम लाया गया scheme के अंदर अलग अलग चीजों के लिए लाइक like फोन बनाने के लिए कोई कंपनी आना चाहते इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे इतना फोन बनाएंगे तो आपको इतना सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा गेटिंग माय पॉइंट सो ये चीज फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है जो कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था ठीक है तो यहाँ मिक्सड इकोनॉमी के अंदर होता है इसके अंदर मार्केट प्राइस फॉलो करते हैं मार्केट बेस्ड होता है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है साइट बाय साइड जाता है और ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर ओके गाइस ओके गाइस यस सर यस सर सो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है फ्रांस <coughs> के जो है अभी हम कुछ देर पहले थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी या प्लानिंग कहाँ से आया था मिक्स्ड इकोनॉमी कौन था पहला देश फ्रांस और फ्रांस से जो है वो फर्स्ट सिक्स ईयर सिक्स ईयर प्लान कब आया फ्रांस के अंदर दैट इज आल्सो नोन एज मोमेंट प्लान मोनेंट प्लान मोन एंड प्लान आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मोन एंड प्लान फॉर प्रेलिम इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो दिस इज तो नेक्स्ट uh, वन क्या यूनाइटेड स्टेट जो है वो कभी नेशनल प्लानिंग आया है यूनाइटेड स्टेट के अंदर नो so, no. कभी यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट के अंदर कभी भी फॉर्मल नेशनल प्लानिंग नहीं आया रीजनल प्लानिंग ही यूएसए के अंदर आया ओके okay? ओके okay, yes, so, yes, के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा प्लानिंग को फॉलो किया जा रहा था इम्प्रेटिव प्लानिंग क्योंकि कंट्रोल किसके अंदर था स्टेट दैट इज नोन एज कलोनियल ब्रिटिश के अंदर था तो वो फॉलो इमेटिव प्लानिंग बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलो इंडिकेटिव इंडिकेटिव प्लानिंग ओके इंडिकेटिव का मतलब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मिक्स इकॉनमी प्राइवेट का पार्टिसिपेशन होगा मार्केट बेस्ड होगा ओके गाइस तो ऐसे भी एक और कह सकते कि 1991 मतलब बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा जो ज्यादातर कहा गया कि हाँ हम फॉलो करेंगे इंडिकेटिव को आफ्टर इंडिपेंडेंस लेकिन ज्यादा इनक्लिनेशन था वो किधर की था इम्परेटिव प्लानिंग की तरफ क्योंकि स्टेट का रोल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे सरकार जो है वो सभी चीज को कब जानते जा रही थी अपने अंदर लेते जा रही थी पीएसयू का नंबर इंक्रीज होते जा रहा था बैंक को नेशनलाइज्ड किया जा रहा था गेटिंग माय पॉइंट तो ये प्लानिंग की तरफ थोड़ा बट आफ्टर नाइनटी इट इज लाइक इंडिकेटिव प्लानिंग ठीक है अब अब जो है, अब की बात करते हैं कि ठीक है वट इज सिस्टम प्लानिंग सिस्टम प्लानिंग जो होता है वो वैल्यू न्यूट्रल होता है और रिमेन फ्यू फुली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ये वैल्यूड न्यूट्रल होता है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फुली फोकस्ड होता है दैट इज नोन एज सिस्टम प्लानिंग व्हाट इज नॉर्मेटिव प्लानिंग नॉर्मेटिव प्लानिंग जो बेस्ड होता है वो वैल्यू बेस्ड होता है ठीक है और ये क्या अगर आपका लाइक प्लानिंग like, अगर करना है डाइवर्सिटी जहां देश के अंदर बहुत ज्यादा है ठीक है जहां पर बहुत ज्यादा किसी देश के अंदर डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर ऐसे प्लानिंग हम कर सकते हैं नॉर्मेटिव प्लानिंग जो कि वैल्यू बेस्ड है वैल्यू so, नौ, आइडिया है, है, like, है? है ताकि लोकल को प्रोमोट करे लोकल गुड्स को प्रोमोट करे तो ये नॉर्मेटिक प्लानिंग जो है वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी सर्वे के अंदर भी कहा गया कि नॉर्मेटिक प्लानिंग को जो है वो इंक्रीज इन्वॉलमेंट इंक्रीज करना चाहिए इंडिया के अंदर जो कि वैल्यू बेस्ड है जो कि डायवर्सिटी अगर ज्यादा है तो उसके अंदर नॉर्मेटिव प्लानिंग जो है वो फॉलो हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है इंपरेटिव प्लानिंग इंडिकेटिव प्लानिंग ठीक है कौन सा पहला कंट्री है यूएसए uh, कौन सा पहला कंट्री नेशनल प्लानिंग रीजनल प्लानिंग ठीक है वॉट इज प्लानिंग तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और बाकी चीजें ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट इज सो नो यस सर और सो दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर गाइस ठीक है आप अब बताते जाएगा मैं पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगा सबसे पहला पॉइंट आज हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहला पॉइंट लिटरेसी रेट इन इंडिया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसीडन अब बताते जाना मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा ताकि सबको रिवाइज होता जाए ठीक है ताकि मुझे मूव नहीं करना पड़े लिटरेसी रेट कितना था इंडिया में सेवनटीन परसेंट सेवनटीन परसेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एट टाइम ऑफ थर्टी टू पॉइंट फाइव थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओके नेक्स्ट पॉइंटल इनकम पर कैपिटा इनकम हमारा जीरो पॉइंट टू परसेंट था राइट जीरो पॉइंट टू परसेंट ठीक है पहले जीरो परसेंट था लेकिन एटीन सेवेंटी से लेकर के नाइनटीन फोर्टी सेवन एम ए राइट नेक्स्ट वन थर्ड प्राइम मूविंग फोर्स प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इंडिया क्या था एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एट एटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री और फिर टेंथ टेंथ प्लान में एग्रीकल्चर हो गया था टू थाउजेंड टू टू सेवन में टेंथ फाइव ईयर प्लान इन टू थाउजेंड टू टू सेवन एग्रीकल्चर इज द प्राइम मूविंग फोर्स नेक्स्ट और अभी एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्सटीन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी एग्रीकल्चर सेक्टर के जीडीपी के अंदर अभी कितना है करंट में 16 और अगर बात करते occupational में, employment अगर बात बात करते करते हैं में कितना जनरेट करता है ये वही 45... something. Ah, 44, 45, 46, वो vary कर रहा है इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी प्लांट एंड ऑफ इंडिपेंडेंस ओके प्लाट एंड मिक्सड इकॉनमी नेक्स्ट

ओके सर ये आपने एग्रीकल्चर पेमेंट uh, फोर्टी फाइव परसेंट है ना ये हाँ फोर्टी फाइव परसेंट वो वेरी आप कर सकते हैं फोर्टी फोर अभी करंट में फोर्टी सेवन कहीं लिख रहे हैं ठीक है नेक्स्ट और फिर फाइव पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत इकोनमी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट

ठीक है ट्राई कर लो उन्हें तो नेक्स्ट वाशिंगटन कंसेंसस प्रमोट न्यू लिबरल इकोनॉमी ओके वाशिंगटन कंसेंसस नेक्स्ट और फिर थ्री बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट रेलवे टेलीग्राम हम्म बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बस इतना ही ओके ये फर्स्ट चैप्टर का है ओके थर्ड डे ऑफ इंडिपेंडेंस थर्ड चैप्टर ओके हाँ मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने मतलब फर्स्ट चैप्टर ओके, okay. so ठीक है स्क्रीन शॉट आप ले ली जल्दी से हो गया हो गया यस सर ओके और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े नेक्स्ट प्लानिंग प्लानिंग hmm. के अंदर इट रूटेड फ्रॉम बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया ठीक है आ, नहीं पहला आ, फर्स्ट रीजनल प्लानिंग फर्स्ट प्लान तो अच्छा क्या है कहाँ आया यूएसए के अंदर नेशनल प्लानिंग. इसके बोल्शिप जो आप बता रहे थे, थे? बोलशिप रिवोल्यूशन से कहा आया यूएसएसआर के अंदर आया कब आया नाइनटीन ट्वेंटी एट के अंदर आया ठीक है थेके? तो यही हम लोग प्लानिंग के अंदर और भी चीजें कुछ कुछ पढ़ी है ठीक है फिर इम्परेटिव और इम्परेटिव एंड दूसरा इंडिकेटिव और इंडिकेटिव इंडिया के अंदर क्या फॉलो हो रहा है इंडिकेटिव प्लानिंग अभी फॉलो कर रहा है इंडिया ओके सो दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर गाइस एनी डाउट एनी वन एनी वन नो सर किसी को भी